नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, सख्ती से कई स्कूलों की पोल खुल गई है। सीबीएसई की सख्ती से कई निजी स्कूल ने मनमानी तरीके से बोर्ड को भेजा था परीक्षा परिणाम। छात्र के परफॉर्मेंस और तैयार किए गए रिजल्ट में था भारी अंतर। सख्त सीबीएसई ने ऐसे स्कूलों पर रिजल्ट वापस लौटा दिया है। सीबीएसई ने रिजल्ट में सुधार करके दोबारा भेजने की बात कही है। तो एक निर्देश बता दें आपको कि किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर स्कूलों की ओर से भेजे जाने थे उसमें भारी फर्जीवाड़ा दर्ज किया गया है, क्योंकि जो पुराने क्लास के परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट जो किया गया था उसके अंक में बहुत ज्यादा का अंतर पाया गया। और कहीं ना कहीं सीबीएसई को इस बात पर एतराज था कि जब सामान्य परीक्षा में किसी का अंक कुछ हो सकता है तो प्रैक्टिकल परीक्षा में या इंटरनल असेसमेंट में वो अंक इतना बढ़ कैसे सकता है उसी सब्जेक्ट का। और इसी बात को लेकर सीबीएसई ने कहा कि दोबारा से रिजल्ट आप अपलोड करें, दोबारा से इंटरनल असेसमेंट करें। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्कूलों के बच्चों के परीक्षा परिणाम जो है वो अब लटक सकते हैं। तो स्कूल की गलती का खामियाजा अब उन बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। बता दें आपको कि सीबीएसई की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस और जो इंटरनल असेसमेंट वाले जो सब्जेक्ट थे उसमें उसको लेकर एक परीक्षा परिणाम जो है वो तैयार करना था। और इसको लेकर स्कूलों को ये निर्देश था कि स्कूल उन तमाम बच्चों के नंबर्स को अपलोड करें वेबसाइट पर, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की चीजें होती वो भी अपलोड करें, लेकिन परफॉर्मेंस में और साथ में जो नतीजे यानी कि जो परिणाम भेजे जा रहे थे दोनों में भारी अंतर पाया गया। और इसी बात को लेकर सीबीएसई को शक हुआ। सीबीएसई ने दोबारा इन स्कूलों से कहा कि आप रिजल्ट को ठीक करके भेजे, क्योंकि इतना बड़ा अंतर नहीं आ सकता है। कुल मिलाकर आप यह समझ लीजिए कि जिस बच्चे का परफॉर्मेंस सामान्य स्कूलों में 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं में 9वीं में या 11वीं में जो 50 मार्क्स लाते थे उनके लिए स्कूलों ने 80-80-90 मार्क्स बनाकर भेज दिया, अपलोड कर दिया, तो कुछ इस तरीके से समझिए। और सीबीएसई को यह बात नागवार गुजरी। सीबीएसई को शक हो गया कि जरूर कुछ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और बच्चों को ज्यादा मार्क्स देने के लिए स्कूलों की ओर से ऐसा कदम उठाया गया। बच्चे का परफॉर्मेंस एवरेज है लेकिन उसे हाई अंक लाने वाला बच्चा, मेरिट वाला बच्चा मानकर उसका नतीजा भेज दिया गया। लेकिन सीबीएसई ने इस गलती को पकड़ ले। सीबीएसई ने पाया कि जो परफॉर्मेंस था बच्चे का वो कुछ अलग था, एवरेज था, औसत था, लेकिन जो मार्क्स अपलोड किए गए थे, मार्क्स जो भेजे जा रहे थे वो बहुत ज्यादा थे। तो ये डिस्टिंक्शन वाले थे, ये मानकर चलिए एवरेज स्टूडेंट, लेकिन जो मार्क्स भेजा गया स्कूलों की ओर से वो डिस्टिंक्शन वाला। तो ये सीबीएसई ने इस गलती को पकड़ा, कहा कि आप सही तरीके से रिजल्ट को बनाकर वापस भेजिए। अब देखना ये कि गलती से हुआ है या जानबूझकर स्कूलों ने अपने रिजल्ट को बेहतर करने के चक्कर में ये बड़ी गड़बड़ी कर दी, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीजें जो है स्कूलों पर छोड़ी गई कि स्कूल अपने बच्चों के असेसमेंट करके उन नंबर्स को अपलोड करें ताकि एक फाइनल रिजल्ट जो है वो सीबीएसई जारी कर पाए, लेकिन यहीं पर यह गड़बड़ी सामने आ गई। तो आप समझ लीजिए इस खबर को कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, चाईबासा से ये गड़बड़ी सामने आई। चाईबासा के कुछ स्कूलों ने इस तरह की हरकतें की हैं और इससे बच्चों का जो रिजल्ट है वो अटक सकता है, लटक सकता है, लंबित हो सकता है, लंबे समय तक उनका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये गलती, इसका खामियाजा उन छात्रों को भुगतना पड़ेगा जो वास्तव में ब्रिलियंट स्टूडेंट है, डिस्टिंक्शन मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं, लेकिन अपने स्कूल की छवि सुधारने में इस तरीके की चीजें स्कूलों ने की और इसका जो अंततः परिणाम है वो होगा कि अब स्कूल के नतीजे देरी से आएंगे। तो एक तरफ सीबीएसई पर लगातार दबाव था, समिति बनाई गई थी सरकार पे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सीबीएसई ने बताया कि वो इस तरीके से असेसमेंट कर सकता है बच्चों का, क्योंकि कोरोना काल में तो संभव लेना था नहीं कि ऑफलाइन एग्जाम जा सके और ऑनलाइन एग्जाम में सारे बच्चे शामिल हो पाए, ये भी संभव नहीं था। और इसलिए स्कूल ने बीच का रास्ता निकालते हुए एक एवरेज मार्किंग सिस्टम तैयार किया और इसी के तहत जो स्कूल थे उनको बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देनी थी और उसी से संबंधित जो अंक है वो अपलोड करने थे ताकि सीबीएसई एक फाइनल रिजल्ट बनाकर उसे अपलोड कर दे। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय, लंबे
ये तो कहेंगे कि फर्जीवाड़ा था स्कूलों का, लेकिन सीबीएसई को नजर आ गया कि एक एवरेज स्टूडेंट को भी वो ब्रिलियंट और डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट बनाकर अपलोड कर दिया गया था मार्क्स। तो एक ये जानकारी, एक तरफ बच्चों तो निजी स्कूलों की देखिए मनमानी, आप देखिए कहां कहां पर किस किस तरीके से सामने आती है। एक तरफ वो फीस लेने के लिए दबाव बनाते हैं, मनमाना दबाव बनाते हैं, मनमानी करते हैं अपनी, दूसरी तरफ जब नतीजा निकालना है तो वहां भी देखिए गड़बड़ी की जाती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एवरेज स्टूडेंट थे उनको डिस्टेंशन वाला ब्रांड स्टूडेंट बनाकर कर दिया, लेकिन सीबीएसई ने वो गलती पकड़ ली, स्कूल की छवि चमकाने की कोशिश थी एक तरीके से, ये क्या हम ये मानकर चले? चलिए अजय, तकनीकी कमी की वजह से कुछ गड़बड़ी की वजह से आपकी आवाज बहुत कटकट कर आ रही है, लेकिन शुक्रिया आपका, आपने जो जानकारी दी वो लगभग संपूर्ण जानकारी थी। तो देखिए किस तरीके से नतीजे तैयार किए गए थे स्कूलों की ओर से कि बस ऐसा लगा था कि खाना पूर्ति कर दी गई है। तो ये जो मनमानी स्कूलों की चलती है वो स्कूल के नतीजों में भी देखने को मिली, और कहीं ना कहीं यहां भी